नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशन बेस्टीज में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि घर के अंदर कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं यदि आप घर में कोई गलत पौधा ले आए, यदि घर में कोई गलत पौधा आ जाता है तो ऐसा पौधा परिवार को और घर को बर्बाद कर देता है। धन हानि, मान सम्मान की कमी, परिवार में आपस में अनबन, ऐसी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। यदि आप ध्यान दें तो हो सकता है आपने सुना भी होगा कि किसी फैमिली में ऐसा पौधा आया जो वो बर्बाद हो गए, या कोई फैमिली कोई ऐसा पौधा लेके आई जिसको लाने के बाद उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन से पौधे हमें अपने घर में लगाने चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशज बेस्टीज का परिवार है। इस परिवार में कभी भी किसी भी सदस्य के घर में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले आपको अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट लगाना चाहिए। मनी प्लांट लगाने से हमारे घर में धन का आगमन होता है। जब भी आप मनी प्लांट लगाएं तो उस समय कुछ सिक्के और कुछ कौड़ियां मिट्टी के अंदर ज़रूर दबा दें। जब आप मनी प्लांट लगा रहे हैं तो उस समय लगाते समय मन में प्रे करें माँ लक्ष्मी से कि माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर परिवार में आकर वास करें, और इसको आप नॉर्थ में रख दें। आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं, चाहे वो रामा तुलसी हो या श्यामा तुलसी हो। तुलसी तो वैसे भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है तुलसी के अंदर कि तुलसी जहाँ पे भी ये रहती है उस घर से गृह कलेश परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। नियम से आप तुलसी की पूजा करिए। अपने घर में आप आंवले का पौधा लगा सकते हैं। शमी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ फल देता है। शमी का पौधा आप ईस्ट में लगाइए और उसमें आप डेली जल दीजिए, दिया धूप बत्ती करें। आप खुद देखेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। नारंगी का पौधा यदि आप साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं तो नारंगी का पौधा साउथ डायरेक्शन में लगाने से आपके जितने भी दुश्मन हैं वे ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि या तो उनकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी आपके लिए, या वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं। ये पौधे वो पौधे हैं जैसे कि आजकल जो समय है उसमें फ्लैट सिस्टम चल पड़ा है। पहले की तरह बहुत बड़े बड़े घर नहीं होते हैं तो फ्लैटों के अंदर ही सब लोग अपनी बालकनीज में पौधे लगाते हैं। तो ये पौधे आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। आपको अपने घर के अंदर कड़वा नीम बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप घर के बाहर लगा सकते हैं, आपकी दहलीज के बाहर आप लगा सकते हैं। आपको केले का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि वो लोग मंदिर ना जाना पड़े उस चक्कर में केले का पौधा अपनी बालकनी में रख लेते हैं कि अपना नहा धो के यहीं पे जल दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है। केले का पौधा आप अपने आंगन के बाहर तो लगा सकते हैं, पर अपने आंगन के अंदर में केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा अशुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे। तो केले का पौधा हमेशा आप अपनी दहलीज के बाहर लगाइए। यदि आपके घर के बाहर कोई गार्डन है या ऐसा कोई स्पेस है जहाँ कोई पौधा लगाया जा सकता है तो वहाँ आप केले का पौधा लगा सकते हैं। कोई भी कांटे वाला पौधा जिसके अंदर कांटे हैं वो आपको नहीं लगाना है। जिसमें जिस पौधे से दूध निकलता है उसे आपने अपने घर में नहीं लगाना है। यदि आप इस तरीके के कोई पौधे लगाते हैं तो आपके घर में अनावश्यक खर्चे, परिवार में अनबन, परेशानियां, मान सम्मान में कमी आनी शुरू हो जाएगी। नींबू का पेड़ आप लगा सकते हैं। नींबू का पेड़ आपके लिए फलदायी होगा। नींबू का पेड़ आपको साउथ में लगाना चाहिए। ये मैं आपको स्पेशली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नींबू के पेड़ में भी छोटे छोटे कांटे होते हैं, पर ये पेड़ आपके लिए शुभ होता है, फलदायी होता है, तो आपको ये लगाना चाहिए। और आपको हरी मिर्च का पौधा नहीं लगाना चाहिए। आपको गुलाब का कांटे वाला पौधा नहीं लगाना चाहिए। इस तरीके के पौधे यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। तो ध्यान दें आप कि आपको किस तरीके के पौधे लगाने चाहिए और किस तरीके के पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। मित्रों, एक आग का पौधा होता है
ज़्यादातर वो भी पूजा में यूज़ किया जाता है। कुछ लोग तो तंत्र विद्या में भी इसको यूज़ करते हैं, तो उसको भी अपने घर में लाके लगा लेते हैं कि हम पूजा में आग का फूल चढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आग का पौधा भी घर में लगाना शुभ माना नहीं जाता। इस पौधे को भी आप घर के बाहर या आपकी अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी के किसी गार्डन में लगा दीजिए, या रोड पार कहीं पार्क होते हैं उनमें लगा दीजिए, पर इस तरीके के पौधे घर में नहीं चलते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि जो पौधे आप घर में लगा सकते हैं, आप उन पौधों को घर में लगाएंगे तो आपके घर में सुख शांति आएगी, लक्ष्मी जी का वास होगा, धन वृद्धि होगी, परिवार के लोगों में आपस में अच्छे से बनेगी, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। और जो पौधे नहीं लगाने घर में तो उन्हें आप घर की दहलीज के बाहर लगाइए, क्योंकि उन्हें आप यदि घर के अंदर लगाते हैं तो आपके घर में अनावश्यक खर्चे आ जाएंगे, अनावश्यक परेशानी आ जाएगी, आपस में नहीं बनेगी, मानसिक अशांति रहेगी। तो ध्यान दें इन बातों पर और जो पौधे आपके लिए शुभ हैं उन्हें ही अपने घर में लगाएं। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि हमें किस तरीके के पौधे अपने घर में लगाने चाहिए और किस तरीके के पौधे अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से कोई परिवार ऐसा हो जिसने अपने घर में कोई गलत पौधा रखा हो और उसे ये वीडियो मिल जाए और सुन के उसकी भी परेशानियाँ दूर हो जाए। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मित्रों, मेरे दो यूट्यूब चैनल्स हैं, एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशंश प्रेस्टीज। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।